मेहता के मेकर्स की हो गई सबसे बड़ी तलाश पूरी। दया बैन बनेंगी जॉनी मानी एक्ट्रेस काजल बिसल। जी हाँ, लंबे वक्त से दया बैन की वापसी एक बड़ा मुद्दा सा बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों में कई एक्ट्रेसेस के नाम भी सामने आए, जिनमें ऐश्वर्या सुखेजा और राखी विजयन जैसे कुछ नामों पर चर्चा की गई कि इनमें से कोई बनेगी नई दया बैन। हालांकि कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन भैया बॉम्बे टाइम्स को सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने एक्ट्रेस काजल बिसल का नाम इस रोल के लिए लगभग फाइनल कर लिया है। सोर्स ने इस बारे में बताया है कि काजल का नाम फाइनल हो जाता है तो अगले महीने यानी कि सितंबर से नई दया बैन शूटिंग भी शुरू कर देंगी। बिल हो सकता है कि दया बैन पर सस्पेंस बनाने के लिए मेकर्स फिलहाल ये खबर लीक ना करना चाहते हो और इसी वजह से काजल ही दया बैन है इस बात पर पूरी तरह से फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल ये खबर हर तरफ वायरल हो चुकी है। इसी के साथ कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये नई दया बैन है कौन। वेल, अगर आपको भी काजल बिसल के बारे में नहीं पता तो हम आपको आज काजल की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कौन है ये एक्ट्रेस जो बन सकती है शो की नई दया बैन। फिर जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दे कि काजल बिसल टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, जो साल 2008 से लगातार टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव है। बता दे कि काजल का डेब्यू शो कुछ इस तरह शो था, जिसमें उनका किरदार ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन इस शो के बाद इंडस्ट्री में उनकी गाड़ी चल पड़ी थी। इस शो को करने के बाद काजल लगातार इंडस्ट्री में एक्टिव रही। उन्होंने CID, आहट, बड़े अच्छे लगते हैं, सावधान इंडिया, 1000ों में मेरी बहना है, उड़ान, नागिन 5, दुर्गा माता की छाया जैसे कई शोज किए। लेकिन काजल को सबसे ज्यादा पहचान सोनी टीवी के शो बड़े अच्छे लगते हैं से मिली थी, जिसमें उन्होंने इशिका कपूर का रोल प्ले किया था। बता दें कि काजल टीवी शोज के अलावा बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने फोर्स और थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा मैजिक जैसी फिल्म्स में काम किया है। इसके अलावा काजल वेब सीरीज गहराइयां और गुजराती फिल्म मिजाज में भी काम कर चुकी हैं। वैसे आपको बता दें कि काजल वीडियो ब्लॉगर भी हैं। यूट्यूब पर उनका बकायदा एक चैनल है। वेल, पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो काजल शादीशुदा है। दिसंबर 2003 में काजल ने अभिजीत बिसल नाम के एक शख्स से शादी की और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सारा बिसल। फिर टीवी पर अपने अलग अलग किरदार से काजल ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है, लेकिन इस बार उनके सिर पर एक बड़े किरदार को निभाने की जिम्मेदारी आई है। लंबे वक्त से दया बैन की वापसी का इंतजार उनके फैंस कर रहे हैं। ऐसे में अगर काजल का नाम पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो इस बड़े किरदार को वो कैसे निभाएंगी, जाहिर तौर पर इस बात पर सभी की नजरें रहने वाली हैं।